हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं कुछ और बातों पे चर्चा करूँगा। ये भी एक सरकारी नौकरी वाला मोटिवेशन ही है जो कि मैं मॉर्निंग में देता था, लेकिन 2 दिन से डिले हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि देखो, जीवन में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना, हम सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं करते, और जो भी चीज़ें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हम केवल उनको करते हैं। हमारी जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, अगर हम इसको चेंज करें, छोटी छोटी, ये भी नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा, कि मैं आपको कहूँ कि 24 घंटे में से केवल 4 घंटे सोइए बाकी पढ़िए, इतनी बड़ी चेंज, इतना बड़ा बदलाव तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे बदलाव लाएंगे ना। बड़े बदलाव लाने के लिए मैं बोलूँगा ना, आप एक दिन में ला सकते हो। आपको मैं बताऊँ कि अगर मैं बोलूँ कि आप 4 घंटे सोने वाले बन जाओ, सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है। आप अगले दिन से 4 घंटा सोना स्टार्ट भी कर दोगे, लेकिन एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, 4 दिन, लेकिन 5वें दिन आपके बस की नहीं। आप 4 घंटे सोने वाले बन ही नहीं सकते, आप सीधा उठोगे 8, 9, 10 बजे, क्योंकि एकदम से चेंज और इतना बड़ा बदलाव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और एक बार ये बड़ा बदलाव ले लोगे ना, फिर कभी जिंदगी में आप सुबह जल्दी उठने का सोचोगे भी नहीं जल्दी। आपके दिमाग में एक भय पैदा हो जाएगा, एक फोबिया आ जाएगा कि अब मेरे बस की नहीं है। इसलिए कोई भी काम करो तो छोटे छोटे स्टेप में करो। अब मैं जो छोटे छोटे स्टेप बताऊंगा उसको जीवन में अपने लाओ। मैं आपको कहता हूँ कि हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपसे मैं पूछता हूँ, आप बताइए, बोलिए। अच्छा, लाइफ तो है नहीं। हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, अब बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीजें आई होंगी, लेकिन मैं अब जो बोलूंगा वो शायद किसी के भी मन में ना आई होगी। जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सांस लेना। अगर हम सांस नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे, तो हमारा जीवन तो खत्म है। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि कितने लोग पेट भर के, एकदम सीना भर के सांस लेते हैं। दौड़ने के बाद ही हम मतलब ज्यादा सांस लेते हैं, जब हम बैठे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कभी भी हम सांस नहीं लेते। तो ये बहुत छोटी चीज है, बहुत पैसा भी नहीं लगता, लेकिन नहीं करते। इसीलिए जो बहुत छोटी चीजें होती हैं और बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। आपको क्या लगता है कि हम अगर पेट भर के सांस लेते हैं तो इससे कोई चेंज नहीं होता? बहुत ज्यादा चेंज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज होता है, बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी आदतें होती हैं। क्या डेली नहाने से कुछ होता है? कई कई लोग नहीं नहाते, लेकिन ये छोटी आदतें हैं। डेली नहाइए, या फिर डेली, जो जैसे मैं कहता हूँ, एक एक मजाक के तौर पे लीजिए, अगर कोई बंदा ये सोचे कि डेली ब्रश करने से कुछ नहीं होता, मैं तो हफ्ते में करूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक हफ्ते में एक बार ब्रश करने से कुछ होगा या डेली ब्रश करने से कुछ नहीं होगा? नहीं, कुछ छोटी आदतें होती हैं। इसी ब्रश वाले पॉइंट से मैं कुछ बताता हूँ कि जब भी हम, अभी भारत में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग टूथब्रश या फिर गांव में जो लोग होते हैं वो भी ब्रश यूज करने लगे हैं, तो ये बताइए कि जब सुबह होती है तो कोई आपको कहता है कि ब्रश कीजिए? कोई कोई आपको मोटिवेट करता है? कोई आपको बताता? नहीं। आपकी नींद नहीं खुली रहेगी, आपका आंखें एकदम बंद रहेगी, लेकिन ब्रश हाथ में रहेगा, टूथपेस्ट भी निकाल लोगे और करते भी रहोगे। क्यों? क्योंकि वो दिनचर्या में ना, वो छोटी सी आदत ना, वो फीड हो चुकी है। आपका शरीर कहीं भी हो, कितना भी बीमार हो जाए, लेकिन इंसान ब्रश जरूर करता है। हाँ, जब बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर, जब भाई शरीर सहमत नहीं है तो कहाँ से करेंगे, लेकिन जब तक मतलब हमारे हाथ पैर चलते हैं हम ब्रश जरूर करते हैं। और ये चीज कहाँ से शुरू होती है? बचपन में, छोटे से लेकर हमें ये चीज हमारे दिमाग में फीड करी जाती है, डाली जाती है, डाली जाती है, डाली जाती है। और एक एक समय ऐसा आता है, 3, 4, 5, 6 साल बाद, 10 साल बाद, कि अब वो चीज हमें कोई बता भी नहीं सकता, हमें सिखा भी नहीं सकता, हम तो भैया लेटे लेटे उठे और शुरू हो गए। तो इसी तरीके से छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी टिप्स अपने जीवन में लाओ। अब मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ये पढ़ने के लिए है, ठीक है, कोई ऐसा गुरु ज्ञान तो मैं देता नहीं, मैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो अब हम पढ़ने वाले लोग क्या चेंज करें? वो ये चेंज करें कि हमेशा आप ये सोचते हो, सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सोचो। सोचने से ज्यादा है करने पे विश्वास करो। सोचना एक लिमिट होता है कि आपको ये करना है। आपके पास 36 तरीके की किताब होगी, आप सिर्फ उसको सोचते रहोगे कि ये किताब पढ़ूं, कि ये किताब पढ़ूं, कि ये किताब अच्छी है, कि ये मार्केट से ले आऊं। मतलब जो किताबें आपके पास है ना, वो 2 दिन 4 दिन बाद आपको हमेशा ही मतलब भद्दी सी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, उसका कंटेंट आपको अच्छा नहीं लगता, और आप हमेशा दूसरी किताब, दूसरे कंटेंट, दूसरे सोर्स की ओर भागते हो। कभी उस किताब से 10-5 पेज पढ़ के देखना कंटिन्यू, किसी भी किताब के 10-5 प्रश्न लगाना कंटिन्यू, और फिर देखना कि 2 दिन 3 दिन बाद आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बनेगा। और ये आदत डालिए, ठीक है, ये आदत डालिए। आदत हमेशा ये पड़ी हुई है कि हमेशा हम नई चीज और ज्यादा चीज, हमेशा नई चीज और ज्यादा चीज,
ये पढ़ाई में आदत बहुत बेकार होती है। अगर आप सोचें कि मैं नई चीज़ पढ़ूं, हमेशा हमेशा मैं साइंस की एक अच्छी किताब लाऊं, मार्केट से बदल बदल के लाऊं, कभी कुछ पढ़ूं कभी कुछ पढ़ूं, या यूट्यूब पे मैं हमेशा किसी नए टीचर से थ्योरी पढ़ूं साइंस की, जियोग्राफी की, हिस्ट्री की, तो ये बहुत गलत आदत है। आप केवल एक बार पढ़िए, उसके बाद या फिर आपके पास जो किताब है उसको एक बार पढ़िए, एक बार कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि दो चार पेज किसी किताब के पढ़ के आपको आपने उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि ये तो किताब अच्छी नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपने वो कोई भी किताब पढ़ी, कोई भी क्वेश्चन उसमें से देखा, अब मार्केट में यूट्यूब पे किसी ने पूछ लिया, किसी टीचर ने कुछ पूछ लिया, या फिर कहीं पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया और उस क्वेश्चन का जो चैप्टर है आपने उस किताब से पढ़ा, अब वो क्वेश्चन उस किताब में मिला नहीं, अब आपने इस एक क्वेश्चन की वजह से उस किताब को क्या सर्टिफिकेट दे दिया कि ये किताब खराब है, या फिर जहां से आपने पढ़ा उस टीचर को आपने सर्टिफिकेट दे दिया वो टीचर खराब है, या फिर अपने नोट्स बनाए हैं तो अपने नोट्स को सर्टिफाई कर दिया कि ये नोट्स खराब हैं, अब तो मुझे नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे, किताबों पे हमेशा वो चीज बनाई जा रही है जो थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसीलिए उनका घर, उनका मार्केट, उनकी किताबें बिकेंगी। अगर वो केवल आसान आसान चीज, प्रीवियस ईयर की चीजें डालते रहेंगे, तो आप जब चीजें पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये तो साला मेरे को आता है, ये तो बहुत आसान है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो रद्दी है, बैगन वाला क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके की अवधारणा डाल देते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम सब जगह है, उनको भी हार्ड क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, उनको भी हार्ड क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, हार्ड क्वेश्चन पढ़ाने पड़ते हैं, इसीलिए तो उनके मार्केट में कोर्स बिकेंगे, किताबें बिकेंगी। तो इसलिए चीजें जब ना आए तो ये मत समझना कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, उसको डेली करो, निरंतर करो, छोटे छोटे स्टेप में करो। चलो अब मैं जो कुछ स्टेप बता रहा था शायद मैं भटक जाता हूँ अपने जो कॉन्सेप्ट से, तो अब मैं ये बताता हूँ कि मैं जैसे गणित को लेके चलता हूँ, ठीक है। अब जीवन में आप लगभग पिछले 15 दिन, मैं आपको पीछे 15 दिन में ले जाता हूँ, आप पिछले 15 दिन, जिनको मैथ नहीं आती है वो पिछले 15 दिन से वो क्या कर रहे होंगे? कुछ नहीं, वो डेली ये सोच रहे होंगे, डेली जब कोई भी प्रैक्टिस सेट खोलते हैं या फिर डेली कोई भी वीडियोस खोल के बैठते हैं, तो एक क्वेश्चन बन गया, दूसरा नहीं बना, तीसरा बन गया, चौथा पांचवा छठा नहीं बना, सातवां बन गया, आठवां नौवां दसवां नहीं बना। मतलब कि ऐसा होता ही नहीं है कि उनके लगातार क्वेश्चन बनते जाएं, और जब एक क्वेश्चन शुरुआत का ही नहीं बनता ना, तो मोरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाता है, और फिर ये लगता है कि मैंने जो किताब बनाई, मैंने जो वीडियोस देखे, मैंने जो नोट्स बनाए वो बिल्कुल बेकार है, मुझे अब किसी नए टीचर से नए अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को सुधारने के लिए क्या है कि आप या तो किसी बुक को बनाओ, कैसे बनाओ, उस बुक का सॉल्यूशन नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता, सॉल्यूशन देख लो या यूट्यूब पे वीडियोस देख लो उसकी सॉल्यूशन की, फिर उसी क्वेश्चन को एक बार बनाओ, यानी कि उस पूरे 30 क्वेश्चन की सीरीज को एक दिन देख देख के सॉल्व करो, कॉपी में बकायदा नंबर वन नंबर टू करके सॉल्व कर लो, अगले दिन फिर उसी क्वेश्चन को बनाओ, फिर अगले दिन उसी, देखो उसी एक क्वेश्चन को जब तक आप 100 बार नहीं देखोगे ना, तब तक आप उसमें डॉक्टर नहीं बनोगे। आपको डॉक्टर बनने की बहुत जल्दी होती है, हम लोगों को क्या होता है कि हम जीके, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस में डॉक्टर बनना चाहते हैं, और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हम सामने वाले को देखते हैं कि यार उसको तो इतना सारा याद है, वो मास्टर तो ऐसे ऐसे पढ़ा देते हैं, वो कैसे पढ़ाते हैं? क्योंकि वो डॉक्टर हैं। कल भी मैंने वीडियो बना के डाला था कि उनके पास टूल है, तो ये टूल कैसे आएगा जब आप मल्टीपल बार उस चीज को देखोगे, बार बार वो आपकी आंखों के सामने आएगी। अब बार बार कैसे आएगी? जब आप क्वेश्चंस पे काम करोगे, आप ये नहीं है कि थ्योरी पढ़ने पे लगे, आज आपने अरिहंत पढ़ ली, कल आपने लूसेंट पढ़ ली, परसों आपने स्पीडी पढ़ ली, नरसों आपने दायम पढ़ ली, उसके तरसों फिर एक यूट्यूब नया प्लेलिस्ट खोल ली किसी की, जियोग्राफी हिस्ट्री की, चलो अब हम ये वीडियो से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से मामला नहीं बनता, आपको एक किताब को पढ़ना पड़ेगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार, 4 बार पढ़ना पड़ेगा एक किताब को, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो एमसीक्यू की हो, चाहे वो वन लाइनर हो। जब 4 से 5 बार एक किताब को रीडिंग करते रहोगे ना, एक महीने में आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, आपको क्या लगता है कि मैं एक महीने में पढ़ लूंगा? कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब आप पढ़ के देखना किताबों को कितना समय लगता है, देखने में वो लगती है इतनी छोटी सी पिद्दी सी, लेकिन जब उस पर काम करोगे ना, ये इतना दर्द करेगा 1 घंटे 2 घंटे बाद कि आप खुद ही सोचोगे। बैठने का मतलब अपना टाइम पीरियड बढ़ाओ, कम से कम एक बुक को 2 घंटे पढ़ो, कंटिन्यू रीडिंग मारो, रीडिंग मारो, एक क्वेश्चन पढ़ोगे, एक वन लाइनर पढ़ोगे, एक एमसीक्यू पढ़ोगे, एक मैथ लगाओगे, बर्डन आएगा। क्यों? क्योंकि जब वो बनेगा नहीं, सॉल्यूशन देख लो, बनेगा नहीं, अक्सर क्या होता है कि बनता नहीं है तो हम प्रेशर में आ जाते हैं कि यार अब मेरी बेइज्जती होगी, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे को आ नहीं रहा है, यानी मेरा थ्योरी कमजोर है, यानी मैंने इतना टाइम लगाया तो बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका सोल्यूशन देख लो यार, आप कॉपी पेस्ट कर लो उसका सोल्यूशन, एज इट इज अपने दिमाग में चिपका लो, अरे वो दोबारा से सॉल्यूशन करोगे तब ना, तब तो बनेगा, दोबारा भी चलो नहीं बनता, तिबारा बनाओगे तब तो बनेगा। इसी तरीके से धीरे धीरे एक एक स्टेप करोगे, तो एक दिन क्या होगा कि आप 30 क्वेश्चन में से देखना आपके 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बनेंगे। अब अगर आप सोचो कि एक ही दिन में मैं 30 के 30 मारूं, 25 में से 25 मारूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो पढ़ने का तरीका यही है कि
कि जो संसाधन है उस पे विश्वास रखो और शुरू करो। बिना शुरू किए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सोचते रहोगे तो सोचते सोचते आपका फायदा कोई और उठा ले जाएगा और आप वहीं रह जाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही मोटिवेशन था कि छोटी छोटी आदतें पढ़ लो, छोटी छोटी आदतें बदलो। ठीक है, चाहे एक क्वेश्चन बने, चाहे आप 1 घंटे में 1 पेज पढ़ो, चाहे 2 घंटे में 4 पेज पढ़ पाओ, आप पढ़ो। इसी तरीके मैथ, इसी तरीके रीजनिंग, इसी तरीके से साइंस। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखो, नहीं होता है तो बैठने की एक बार पावर बनाओ। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं मैं पूछना चाहता हूँ कि नीचे कमेंट करना, आप मैक्सिमम कितनी देर बैठ पाते हो, आप मैक्सिमम एक किताब को कितनी देर पढ़ पाते हो। अपने आप से पूछना है सवाल, खुद से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही इतना। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस तरीके की मोटिवेशन वीडियोस, इस तरीके की बातें जो भी विद्यार्थी से रिलेटेड होती हैं, मैं अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ। अगर आप नए हैं तो इधर इस तरफ एक सब्सक्राइब का बटन होता है, इधर कहीं कर मतलब SU करके लिखा रहता है लाल कलर में, उसको दबा दीजिए। और उसके बाद बेल आइकन भी आएगा, उसको भी दबाइए। और जो मेरे पुराने साथी हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि मैं आपके लिए इतना करता हूँ, तो आप मेरे लिए थोड़ा सा एक पॉइंट कर सकते हैं, वो ये कि मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, अपने छोटे नन्हे मुन्ने भाइयों में शेयर कर सकते हैं, उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। एम करता हूँ कि इसमें कम से कम 300 लोग तो लाइक करेंगे ही, है ना? तो कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ मेरा काम आगे जा रहा है। क्योंकि जब मैं इतनी सारी चीज़ें सोच के बताता हूँ, ऐसा नहीं है अक्सर YouTube में जो भी चीज़ लोग ज्ञान देते हैं, जो भी चीज़ें बताते हैं, वो इसका मतलब इसको लिखते हैं, इसको ढूंढते हैं, लेकिन मैं कभी भी कोई चीज़ लिख के नहीं बताता। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं एक मूवी नहीं बनाता, मैं हमेशा अपने दिल की बात, मैंने पहले उस पर सर्च किया, उसको समझा, अपना एक्सपीरियंस मिलाया, लिखा, और उसके बाद मैंने बताया। कभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने एक मूवी की तरह स्क्रिप्ट लिख के आपको बोल के सुना दिया, नहीं। अपने अंदर जो भी बात होती है एकदम सरलतम शुद्ध भाषा में और एकदम साफ बता दिया करता हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत फायदा भी होता है। तो फायदा होता है तो एक काम जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।